दर्शकों का नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैनेज न्यूज की खबर। आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नीरवा के घर बख्शीश लेने गए थे शख्स, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, FIR दर्ज। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव नीरवा के घर में होली में बवाल मच गया। उनके घर में बख्शीश लेने आए शख्स ने लोगों ने जम जम कर पीटा। बताया जा रहा है कि शख्स को लोगों ने इतना पीटा कि वह नाराज लोग नीरवा के घर के बाहर सड़क पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवा दिया और दो पक्षों में लड़ाई के बाद मौके पर ADM और ACP सिटी के नए घंटों की बातचीत के बाद मामला शांत कर दिया गया। रिपोर्ट की माने तो यह बताया जा रहा है कि होली के मौके पर BJP सांसद नीरवा के घर पर होली का जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान पास की बस्ती में कुछ लोग उनके घर पर होली के मिलन और होली की बख्शीश लेने के लिए पहुंचे। इसी बीच शराब के नशे में खुद कुछ लोगों ने इन युवकों का विवाह चल रहा था, इसके बीच उनकी गर्मागर्मी हो गई थी और गाली गलौज भी चल रही थी और इसके बाद ही क्या था और नशे के चूर लोगों ने तीनों युवकों को जमकर पीटा था। कहा जा रहा है कि इन तीनों के युवकों ने दो शख्स भागने में कामयाब रहे थे और वही तीसरे शख्स को शशि शरण की एक पिटाई के दौरान चोट भी आई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद युवकों की बस्ती में लोग बड़ी संख्या में सांसद के घर आ गए थे और उन्होंने घायल शख्स को सड़क पर रखकर जाम कर दिया था और इनकी मांगे भी कि उन पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके बाद वो भी वहां से हटेंगे। और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझा कर जाम को हटवा दिया। बताया जा रहा है कि इसे सख्त कराने के लिए उन्हें 3 घंटे से ज्यादा वक्त का समय लगा हुआ था और युवती की मां और द्वारा पुलिस ने मामले की शिकायत पर दर्ज करवाई गई है। मन्नत में 8 घंटे तक यहां छुपे हुए थे दो शख्स, स्टाफ ने भी की थी उनकी मदद। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में एक खबर सामने आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसने में दो आरोपियों को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों दो लोगों की सुरक्षा के संदेह हो रहा था और वह मन्नत की दीवारें फांद कर घर के अंदर घुस गए थे। हैरान की बात तो यह है कि यह दोनों युवक मन्नत में घुसने में बाद बंगले के तीसरे मंजिल तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड की नजर युवकों पर गई और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने दोनों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया है। अब इसी को लेकर एक अपडेट सामने आया है। शाहरुख खान के घर में घुसने वाले इन दोनों लोगों की पहचान साहिल सलीम खान और राम सफान के रूप में हुई है और जो गुजरात के रहने वाले हैं। और इस विषय पर बात करते हुए हम मन्नत की मैनेजर कोलिन डिसूजा ने बताया है कि सुरक्षा गार्ड के उन्हें 2 मार्च को सुबह 11 बजे फोन करते बताया था कि दो लोग बंगले में घुस गए हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। इसने एक शख्स के गाला पर एक चोट भी लगी हुई है जिसका कर्मचारी और तुरंत इलाज के लिए भी भेज दिया है। शाहरुख खान का स्टाफ भी दरिया दिली है और वह उन बेहद खुश है। लोग भी किंग खान के स्टाफ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि चले कि शाहरुख खान की फिल्म पठान हाल ही में रिलीज हुई थी और कमाई के मामले में इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण लीड रोल में दिखी है और मालूम हो कि शाहरुख खान की इन दिनों जवान और डंकी में भी नजर आने वाले हैं और अब पठान के बाद फैंस शाहरुख खान की इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा है सावधान इंडिया के होस्ट सुशांत। बॉलीवुड और टीवी जगत के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह आज यानी 9 मार्च को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने टीवी शो सावधान इंडिया को होस्ट कर लोगों को दिलों में काफी खास जगह बनाई है। उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म सत्या से बॉलीवुड में कदम रखा था और इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। इस फिल्म के उन्होंने दमदार एक्टिंग की थी और जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया था। सुशांत के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ अहम बातें। सुशांत का जन्म 9 मार्च 1972 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और वह शुरुआती से ही क्रांतिवादी मिजाज के थे और उन्होंने फिल्म और टीवी की दुनिया में अपने दमदार एक्टिंग से लोहा मनाया है। पर एक्टर बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में नजर आए थे। उन्होंने कौन, जोश, जंगली, दम, डरना मना है, लक्ष्य, रक्त चरित्र जैसे फिल्मों में अभिनय के लोगों के दिलों में काफी अच्छी जगह बनाई है और सबको हैरान भी कर दिया है। इन फिल्मों में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी है। साल 2002 में एक्टर अजय देवगन की फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी उन्होंने महान क्रांतिकारी सुखदेव का किरदार निभाया था और इस फिल्म को लोगों को उनकी एक्टिंग बेहद पसंद आई थी।
इसके अलावा सुशांत ने कई टीवी सीरियल में भी काम किया है। साल 2012 में आईटीवी की फेमस शो साउथर्न इंडिया में बतौर उन्होंने होस्ट किया है। यह शो सुशांत के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। लोगों को उनकी होस्टिंग काफी पसंद आई तो उन्होंने इस शो के घर घर पहुंचकर अपनी एक खास जगह बनाई थी। जैसे ही हम जानते हैं कि सुशांत काफी क्रांतिकारी मिजाज के हैं और किसी भी अहम मामले में वह बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जिसके चलते कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। साल 2019 में नागरिकता संशोधन के एक कानून का विरोध जानते पर उन्हें साउथर्न इंडिया से बाहर कर दिया गया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।